प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। इससे पहले भी हमने एचटेट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जो कल ही हमने अपलोड की थी, और वो थी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और हरियाणा जीके से रिलेटेड, और हिंदी और इंग्लिश की भी उसके अंदर कवर की गई थी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, जिसको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो चलिए इसको बगैर किसी प्रकार की देर करते हुए इसको शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इनका राइट आंसर क्या बनता है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए है। यदि आप कल का पेपर दे रहे हैं, जो वीडियो आपके सामने शायद कल सुबह ही आएगा, तो उसमें आप इसको देख लेंगे तो कुछ क्वेश्चन में आपको हेल्प जरूर मिलने की संभावना बनती है। चाहे आप जेबीटी का दे रहे हो या फिर आप टीजीटी का दे रहे हो, दोनों ही के अंदर ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को देख के जरूर जाएं। तो बगैर किसी प्रकार की देर करते हुए शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है आसन विकास सेतर। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया कि किशोर अवस्था वह काल अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक और स्वयंकात्मक सामाजिक शारीरिक रूप से बाल्यावस्था में प्रौढ़ अवस्था की ओर जाते हैं। इसका सही आंसर है ए टी जर्सील्ड। तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, अधिगमकर्ता यानी कि शिशु केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह है। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड यानी कि दूसरा, जो है मार्गदर्शित अन्वेक्षी अधिगम। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग्य संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया की सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम संतानांतरण कहलाता है। और इसका आंसर है पहला ही, वर्टिकल। नेक्स्ट पे चलते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर पांच हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? और इसका है फोर्थ, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है सिक्स हमारे सामने, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? और इसका करेक्ट आंसर बनता है विशिष्ट कक्षा यानी कि स्पेशल क्लासेज। नेक्स्ट पे चलते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर सात, पियाजे, बहुत ही फेमस। पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है? करेक्ट आंसर है साध्यात्मक विचार यानी प्रोपोजिशनल थॉट जिसको हम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वो है क्वेश्चन नंबर एट, पारुल की बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून यानी कि कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है, पारुल को मुख्यतः है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर डिसलेक्सिया बनेगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ये होता है कैलकुलेशन, और डिसग्राफिया होता है राइटिंग से रिलेटेड, और रीडिंग से रिलेटेड होता है डिसलेक्सिया। तो यही इसका करेक्ट आंसर बनने की संभावना बनती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ पे, और क्वेश्चन नंबर नौ है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड यानी कि मनोदशा स्वभाव अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? और इसका आंसर है ये वाला, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित किससे है? मनोवैज्ञानिक पक्ष से, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और यह है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो उस अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? और सही आंसर इसका गहन शैली जिसको डीप स्टाइल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? और इसके लिए आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया यही लगती है, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 13, रोहन बाहुबली। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता
कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, यह सही उदाहरण है। तो ये क्या है, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं वो क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं सहयोगी अधिगम। नेक्स्ट पे चलते हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आप नहीं पे फोकस कीजिएगा और इसका सही है विद्यार्थियों का प्रक्रियात्मक नियतता यानी कि फंक्शनल फिक्सेशन ऑफ स्टूडेंट, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ब्रोन फैन ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं, इसका करेक्ट आंसर किसे है, इसका करेक्ट आंसर है सूक्ष्म तंत्र से। नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले डैश दे रखा है सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार का संबंधित है जिस प्रकार वाइगोस्ट की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है और इसका सही आंसर है बंडूरा। नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 18 हमारे सामने, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ देता है वो क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है भाषा का व्यवहारिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 19 हमारे सामने, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है, इसका करेक्ट आंसर है पश्चय प्रचलन स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और नेक्स्ट फिर पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर है संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 22 हमारे सामने, वे बालक न्यून दृष्टि को माने जाते हैं, ये वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तक्षणता होती है यानी चिल्ड्रन कंसीडर ए लो विजन हु हैव विजुअल एक्यूटी बिटवीन, और करेक्ट और इसका करेक्ट आंसर है 20/70 से 20/200। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और ये है 23 क्वेश्चन हमारे सामने, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना कौन सी है, और इसका करेक्ट आंसर है एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना यानी कि हाइपोथेसिस क्रिएट करवाना। इसके बाद चलते हैं 24 क्वेश्चन में और ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है, और इसका करेक्ट आंसर है सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन सीरीज है सी की यानी कि ABCD इस प्रकार के जो ऑप्शन आते हैं उसमें से ये सी है, तो आपकी हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर ये सीरीज सारी की सारी उठपटांग हो या क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु जो चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं या पेडागोजी के हैं सारे के सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे, हो सकता है आपके आगे पीछे आपको जरूर मिले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 और 25th क्वेश्चन है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित करता है, यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इससे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावी होता है और ये किससे होता है, वातावरण से यानी कि इन्वायरमेंट से। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के क्रांतिक यानी आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की बात यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 4th, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर है 27, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरिया निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है तादात्म्य पहचान संकट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और यह है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है, और इसका करेक्ट आंसर है 4, आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वो है 29th, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगापूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और कुंठा के समय विदेशता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, तो ये किस प्रकार का संकेत है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा अवधान
न्यूनता, अतिस्क्रियता, विकार की, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन और इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन। किशोर जन्मों की तबालिकाएं कठोर आहार आदतों अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों को यह आहार संबंधित विकार कहलाता है और इसका करेक्ट आंसर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या होता है कि एक्चुअल में जब हम अपने बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए, पतला रहने के लिए भूखा रहना शुरू कर देते हैं तो उस समय भी इस प्रकार का डिसऑर्डर आता है। तो ये तो थे 30 क्वेश्चन जो चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी के हमने आपके सामने रखे। उम्मीद ये करता हूँ कि इसके अंदर से 98-99% क्वेश्चन ये ठीक ही होंगे, परंतु ऐसा भी डिपेंड करता है कि बोर्ड के ऊपर भी आखिरी निर्णय होता है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के अंदर एक्यूरेट कहना 100% श्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उम्मीद ये है कि ये सब आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।